हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं 9 के बाद आज की बात। सबसे पहले बात करते हैं चौबारा ब्राह्मणवाड़ी यूथ टीम की। चौबारा ब्राह्मणवाड़ी यूथ टीम ने पिछले 6 दिन से लगातार ब्रिम्स स्टाफ में, पुलिस वर्कर्स में और ऑल कोरोना वॉरियर्स में फूड पैकेट्स बांट रही है पिछले 6 दिन से, और लगातार उनका कहना है कि हम इसी तरह से आगे भी बांटने की कोशिश करेंगे। ये एक बेहतरीन एग्जांपल है यूथ के लिए कि वो आगे आएं और कोरोना वायरस जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी मदद करें। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो इस काम में आप अवाम की मदद के लिए आगे आएँ। तो इस वक्त नौजवानों की भी ज़रूरत है कि वो ब्राह्मणवाड़ी यूथ टीम की तरह अभी आगे आएँ और लोगों फ्रंट लाइन वर्कर्स की मदद करें। तो आइए आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। धर्म सिंह फाउंडेशन बसवा कल्याण में, धर्म सिंह फाउंडेशन ने 2 एम्बुलेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डोनेट किया और कहा कि अगर कोई और भी मदद रहेगी तो धर्म सिंह फाउंडेशन की तरफ से बसवा कल्याण को दी जाएगी। शायद ये हो सकता है कि आगे 2023 के इलेक्शन की तैयारी है, मगर एक बड़ा अच्छा काम है कि 2 एम्बुलेंस बसवा कल्याण को दी गई। इस वक्त ब्लॉक प्रेसिडेंट नीलकंठ राठौड़, कांग्रेस के तमाम काउंसलर्स और बसवा कल्याण हेल्थ ऑफिसर भी इस मौके पर मौजूद रहे। आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी फैमिली जो हैदराबाद से आई थी हमनाबाद, हमनाबाद में फंस गई। रात में ठीक 3 बजे उनके बेयारो मददगार छोड़ा गया। उस फैमिली को ना हैदराबाद में इंटर होने दिया जा रहा था और ना ही बसवा कल्याण में रहने के लिए कोई जगह थी। तो इस फैमिली ने MBT के स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान साहब को कॉल किया और उनसे मदद की गुहार लगाई। तो अमजदुल्ला खान साहब ने उनकी मदद की और हैदराबाद पहुँचने में उनकी मदद की। इस तरह के अगर लीडर हमारे पास भी यहाँ मौजूद हों जो अवाम की ग्राउंड लेवल पे मदद करें तो शायद हमारे भी बहुत सारे मसाले का हल निकल सकता है। आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जमीयत उलमा हिंद बीदर की, जमीयत उलमा हिंद बीदर के गुलाम यजदानी साहब का कहना है कि रमज़ान में जमीयत उलमा हिंद की तरफ बीदर की तरफ से 500 राशन किट्स बांटे गए और 27 कोरोना पेशेंट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे भी हैं और वो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का अगर काम करेंगी तो जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं, जितना भी डर का एक माहौल है, इसमें कोई कमी हो सकती है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीदर, आज बीदर में जब सवेरे जब सूरज निकला तो लोग एसेंशियल्स लेने के लिए मार्केट में आए तो उन्होंने पुलिस का सामना करना पड़ा। हर गली पर, हर चौराहे पर पुलिस नजर आई और उनका चालान काटते हुए नजर आई। पब्लिक का कहना है कि पुलिस हमें हरास कर रही है, सुबह हम एसेंशियल्स लेने के लिए निकल रहे हैं तो पुलिस का बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं है। और रहीम खान साहब से कहा कि वो इस बारे में कोई कदम उठाएं। उसके बाद दूसरी खबर पढ़ते हैं। बसवा कल्याण और बीदर में मास मीडिया की टीम ने ऑटो ड्राइवर से बात की तो ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि वो बिल्कुल बेयार और मददगार छोड़ दिए गए हैं। उनको खाने के लिए नहीं है, उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। जो कर्नाटका गवर्नमेंट से कहा गया था कि 5,000 रुपये अकाउंट में डाले जाएंगे, वो सिर्फ हेवी लाइसेंस ड्राइवर्स को डाले जा रहे हैं। जिन ऑटो ड्राइवर्स के पास लाइट लाइसेंस है उनको बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं डाला गया, तो बेयार और मददगार हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट इस बारे में कोई कदम उठाए। फिर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लेबर्स, बसवा कल्याण और बीदर में मास मीडिया की टीम ने लेबर से बात की तो लेबर का कहना है कि जब वो सुबह सवेरे अड्डे पर आया करते थे, मजदूर अड्डे पर, तो लॉकडाउन से पहले उन्हें थोड़ी बहुत रोजी मिला करती थी। सारा दिन काम करके वो 250-300 रुपये घर को ले जाया करते थे, जिससे उनके घर का चूल्हा जला करता था। लॉकडाउन होने के बाद से लेबर्स बिल्कुल ये बेयार और मददगार हो चुके हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं। लेबर्स का कहना है, जो आप हमारी वीडियो मास मीडिया के चैनल पर देख सकते हैं, लेबर्स का कहना है कि 300-400 रुपये जो हम कमाया करते थे उसमें हमारा घर चलना मुश्किल था, अब तो वो भी हमें नहीं मिल रहे। गवर्नमेंट की तरफ से राशन तो फिर भी दिया जा रहा है, मगर सिर्फ राशन से घर का चूल्हा नहीं जलता, और भी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं घर की जिन्हें पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में थोड़े से पैसे डाले, या फिर नेटिव MLA जो हैं बीदर के बसवा कल्याण के, वो हमारी मदद के लिए आगे हैं। आज के आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। JDS के चीफ HD देवेगौड़ा का आज 88th बर्थडे मनाया गया बसवा कल्याण में, जिसमें यशरफ अली साहब, बसवा कल्याण के सिटी प्रेसिडेंट शब्बीर अली साहब भी मौजूद रहे और हेल्थ ऑफिसर मौजूद रहे, CMC कमिश्नर मौजूद रहे। इस बर्थडे को मनाने के लिए JDS ने खासा इंतजाम किया और CMC वर्कर्स में फ्रूट, सैनिटाइजर्स, मास्क तकसीम किए, पुलिस वर्कर्स में सैनिटाइजर्स, मास्क तकसीम किए और फ्रूट्स भी बांटे गए। उसके बाद शाम के वक्त KEB भी जाया गया लाइट ऑफिस, वहाँ पर भी KEB वर्कर्स में लाइट, फ्रूट्स, मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किया गया। और यशरफ अली साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों में सेफ रहें, बेवजह घरों के बाहर ना निकलें। तो ये थी आज की बात 9 के बाद। इसी तरह का एपिसोड आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। दिन की सारी खबरें बीदर डिस्ट्रिक्ट की, चाहे वो हमनाबाद की हो, बसवा कल्याण की हो, भालकी की हो या फिर बीदर की हो, तमाम खबरें आपको ठीक हमारे चैनल पर 9 बजे के बाद मिला करेंगी। तो इसी तरह के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़।